हल्की नीली दुनिया, लेखक काल सगान। दूर दराज से देखने पर इस छोटे और अदना से बिंदु में किसी की शायद कोई रुचि नहीं होगी, पर हमारे लिए यह हल्का नीला धब्बा बहुत अहम है। इस नुक्ते को जरा आप गौर से देखें। ये हमारा घर है, यहाँ हम रहते हैं। वो हर शख्स जिससे हमें मोहब्बत हो, हर इंसान जिसे हम जानते हो, हर वो शख्स जिसके बारे में हमने कभी कुछ सुना हो, हर इंसान जो कभी पैदा हुआ हो, हर इंसान जो कभी जिंदा रहा हो, वो यहीं रहा होगा। हमारी सारी खुशियां और गम, हजारों धर्म और मजहब, विचारधाराएं और आर्थिक नीतियां, हर शिकारी और चारागर, हर हीरो और बुजदिल, हर इंसानी सभ्यता का निर्माता और उसे ध्वस्त करने वाला, हर बादशाह और किसान, हर प्रेमियों की जोड़ी, हर माँ बाप, हर उम्मीद लिए बच्चा, हर आविष्कारक और अन्वेषक, नैतिक मूल्य सिखाने वाला हर शिक्षक, हर बेईमान सियासतदार, हर सुपरस्टार, हर महान नेता, हमारी नस्ल के इतिहास में हर महात्मा और पापी यहीं पर रहा होगा। सूरज की किरण से लटके, अदना से इस धूल के कण पर, ब्रह्मांड की अपार विशालता में हमारी दुनिया एक बहुत छोटा सा स्टेज है। जरा सोचें फौज के उन जनरलों और सम्राटों के बारे में जिन्होंने चंद लम्हों की जीत और शोहरत के लिए खून के नाले बहाए। मुश्किल से नजर आने वाले इस छोटे धब्बे पर एक हिस्से के वाशिंदों ने दूसरे हिस्से के लोगों पर तमाम जुल्म सितम ढहाए। उनकी गलतफहमियों में कितनी कसक है और नफरतों में कितनी शिद्दत है। वो एक दूसरे को कत्ल करने के लिए कितनी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। दिखावे और खुद बुलंदी ने हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि इस ब्रह्मांड में हमें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। हल्की सी रोशनी की यह किरण हमारे इस बहकावे के लिए एक चुनौती है। ब्रह्मांड के इस विशाल अंधकार में हमारा ग्रह मंद प्रकाश का महज एक धब्बा है। इस अंधेरे सूनेपन में हम ऐसी कोई उम्मीद न रखें कि कोई दूर दराज से हमें अपने आप से बचाने के लिए आएगा। पूरे ब्रह्मांड में शायद पृथ्वी ही एकमात्र वो ग्रह है जहां जिंदगी पली पनपी है। आने वाले भविष्य में ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है जहां हमारी नस्ल जाकर बस सके। हम अन्य ग्रहों पर घूम फिरकर जरूर वापस आ सकते हैं, पर वहां बस नहीं सकते। हम चाहें या ना चाहें, पर अभी के लिए इस धरती पर रहने के अलावा हमारे सामने और कोई चारा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि खगोल विज्ञान का विषय इंसान को नम्र और विनयशील बनाता है और चरित्र का निर्माण करता है। छोटी सी दुनिया के इस अक्ष में हमें अपनी बेवकूफी और बेगुमानी की सबसे बड़ी मिसाल मिलेगी। जब मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया को निहारता हूं तो वो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। हम दूसरों से बेहतर तरीके से कैसे पेश आए। हम अपनी हल्की नीली और नाजुक दुनिया की कैसे देखभाल करें। हम ये न भूलें कि वो आदिकाल से आज तक हमारा घर रही है।